और अब बात करेंगे आईटीबी फाउंडेशन के एक मुहिम एक लक्ष्य की। इंसेफ्लाइटिस को लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जापानी बुखार कहते हैं। ये एक प्रकार का दिमागी बुखार है जो कि वायरल संक्रमण के कारण होता है। ये खास किस्म के वायरस के कारण लोगों के बीच फैलता है। ये वायरल मच्छर या फिर सुअर के द्वारा भी फैलता है। ज्यादा गंदगी वाली जगह पर भी यह वायरस पनपता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस बीमारी के लक्षण और क्या है इससे बचने के उपाय। कुछ साल पहले तक मासूम बच्चों पर कहर बनकर टूटने वाले दिमागी बुखार के मामलों में अब काफी कमी देखने को मिल रही है। पहले दिमागी बुखार से हर साल सैकड़ों बच्चे शिकार होते थे, लेकिन पिछले दो सालों में जापानी बुखार के मामलों में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग अब इस खतरनाक बीमारी से खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकार काफी गंभीर है। आइए हम आपको बताते हैं क्या है जापानी इंसेफ्लाइटिस के लक्षण। बुखार, सिरदर्द, गर्दन में जकड़न, कमजोरी और उल्टी आना, समय के साथ सिरदर्द बढ़ते जाना, हमेशा सुस्ती छाई रहना, भूख कम लगना, तेज बुखार, बच्चे का अति संवेदनशील होना, भ्रम का शिकार होना, दौरे आना, लकवा मारना और स्थिति कोमा तक पहुंच सकती है। छोटे बच्चों में ज्यादा देर तक रोना। मस्तिष्क ज्वर के बच्चों में मेनली सबसे पहले बुखार आता है, बुखार के साथ झटका आता है, अल्टर कॉन्शियसनेस हो जाता है, ये सब लक्षण आते हैं। तो हम समझते हैं कि मस्तिष्क ज्वर हो सकता है। इससे बचाव के लिए आप साफ पानी पिए, साफ सुथरा रखें, इंडिया मार्का घर का यूज करें, हाथ साबुन से धो के खाना खाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास गंदगी एकदम रखते नहीं रखें, ये सब मस्तिष्क ज्वर से बचाव में सहायता होती है। जापानी बुखार या दिमागी बुखार से पीड़ित होने के बाद बच्चे की सोचने, समझने और सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं जापानी बुखार होने पर मरीज के शरीर पर इसका क्या असर होता है। सोचने, समझने और सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। ये वायरस छुआछूत से नहीं फैलता है, 1 से 14 साल की उम्र के बच्चों में फैलता है, 65 साल के ऊपर के लोगों को चपेट में लेता है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में ज्यादा फैलता है। जापानी इंसेफेलाइट से बचाव के लिए सबसे अहम साफ सफाई है। बारिश के मौसम में ये बुखार तेजी से फैलता है। ऐसे में अगर हम जरूरी उपाय करें तो इस बीमारी से बच सकते हैं। समय से टीकाकरण करवाएं, साफ सफाई से रहें, गंदे पानी के संपर्क में आने से बचें, मच्छरों से बचाव करने के उपाय करें, घरों के आसपास पानी न जमा होने दें, बारिश के मौसम में बच्चों को बेहतर खान पान दें। पिछले 4 दशकों से जापानी बुखार बेहद खतरनाक बीमारी के रूप में उभरा था, लेकिन सरकार की कोशिशों से अब इस पर नियंत्रण पाया गया है। जापानी बुखार के खिलाफ लड़ाई की जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।